हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कलाड़ी पकोड़ा की रेसिपी। कलाड़ी पकोड़ा कह लो या कलाड़ी टिक्की कह लो, ये एक किस्म का मोजरीला चीज़ होता है। ये जम्मू की फेमस डिश है। इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट कलाड़ी है। हम फ्रेश कलाड़ी घर पर भी आसानी से बना सकते हैं। इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि घर पर कैसे बना सकते हैं। अगर आप इसको 8-10 दिनों के लिए स्टोर करके रखना चाहते हैं तो थोड़ी सी हल्दी लें और थोड़ा सा बेसन लें, उसका गोल सा बना लें। कलाड़ी को गोल में डिप करके और इसको हाफ से भी कम खाली गर्म तेल में डाल के निकाल के तो फ्रिज में स्टोर करके रख लें ढक के। अब कलाड़ी पकौड़ा बनाने के लिए मैंने एक कटोरी बेसन लिया है। बेसन में मैं अब कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है और पानी डाल के इसका गोल तैयार कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गोलना है ताकि लम्स ना पड़े। अब गोल तैयार हो चुका है। अब उसमें मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है 1 चम्मच और 1 चम्मच गरम मसाला, मिक्स कर लेना। ऐसा गोल तैयार करना। तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। मैंने सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल में कलाड़ियाँ बड़ी टेस्टी बनती हैं। आप कोई सा भी तेल ले सकते हैं। अब कलाड़ी लेनी है जो मैंने स्टोर करके रखी थी, उसको बेसन के गोल में डिप करके फ्राई कर लेना है। धीमी आंच पर ही फ्राई करना है तभी ये क्रिस्पी बनेगी। फ्रेंड्स, ये इतनी टेस्टी होती है ना कि खाने का मज़ा ही आ जाता है जब बरसात का मौसम होता है। एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। एक एक करके सारी कलाड़ियाँ फ्राई कर लेनी है। आंच धीमी रखनी है, अगर तेज रखेंगे तो जल जाएगी बाहर से, कुरकुरी नहीं बनेगी। फिर कलर इनका चेंज हो चुका है, ये अब फ्राई हो चुकी है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। इसको फ्राई करके निकाल लेना, ऐसे ही सारी फ्राई करनी है। ये कलाड़ियाँ जम्मू में ही मिलती हैं, आप आसानी से इसको घर में बनाइए। कलाड़ी पकौड़ा बन के तैयार हो चुका है। अब ये सर्व होने के लिए तैयार है। हरी चटनी और टमाटो सॉस के साथ सर्व करें, जो भी चटनी आपको पसंद है उसके साथ आप इसको सर्व करें। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।